जय शिव शंभु। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि मैं साधु क्यों बना, वाई आई एम ए सेफ्रन मॉन्क। हाल ही में मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैं भारत भ्रमण पे हूँ पिछले एक साल से। तो मोस्टली पीपल मेरे से यही क्वेश्चन आस्क करते हैं कि इससे पहले आप एक अध्यापक रहे और आपके पास सारी चीजें थी जो एक बेसिक व्यक्ति को चाहिए होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप साधु क्यों बने। बहुत से लोगों को जब मेरे से कोई क्वेश्चन आस्क करता है तो मैं बता देता हूं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो के माध्यम से मैं एक मैसेज सभी तक पहुंचा दूं कि व्हाई आई एम अ मॉन्क, व्हाई आई एम ए सेंट, एक सन्यासी। कब बनता है व्यक्ति, एक सन्यासी का उद्देश्य क्या होता है। मैं एक सन्यासी की बात कर रहा हूं, एक सच्चे सन्यासी की बात कर रहा हूं। भारतवर्ष में बहुत से साधु संत सन्यासी आपको मिलेंगे, मौलवी, पादरी, अलग अलग समुदाय के लोग। उनकी क्या विचारधारा है मुझे इससे कुछ नहीं लेना, लेकिन मैं क्यों हूं ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 7 कुछ इस प्रकार है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सर्जाम्यहम्। मुझे श्लोक के बारे में पहले इतना नहीं मालूम था, लेकिन जब मैंने इसको रीड किया, फिर इसको एनालाइज किया, फिर और साधु संतों के माध्यम से इसका मीनिंग जाना, और फाइनली अपना मैंने इसको सेल्फ एनालाइज किया, तो लॉर्ड श्री कृष्णा अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि हे भारत, अर्जुन के बहुत से नाम दिए गए हैं कि हे भारत, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युतानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को किसी साकार रूप में इस समाज में, इस पृथ्वी पर प्रकट करता हूं। साकार मतलब किसी व्यक्ति के अंदर मैं ज्ञान के द्वारा अपने साकार रूप को भेजता हूं धर्म की रक्षा के लिए, चीजों को सुव्यवस्थित करने के लिए। तो जब मैंने इसके बारे में एनालाइज किया तो फिर एक क्वेश्चन के हुआ कि धर्म की हानि, जो धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, वो कैसे हो रही है। क्या धर्म की हानि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में न जाना, या फिर कुछ और इसके पीछे कारण हो सकता है। तो फिर मैंने पाया कि धर्म की हानि मंदिर में न जाना से नहीं होती है। धर्म की हानि समाज में तब होती है जब धर्म अशिक्षित लोगों के हाथ में चला जाता है, जब धर्म में पाखंड हो जाता है, जब धर्म के द्वारा लोगों को शोषण किया जाता है,
जब धर्म में केवल और केवल बाहरी आडंबर हो जाते हैं तब होती है धर्म की हानि, न कि मंदिर में न जाना, मस्जिद में न जाना, गुरुद्वारे में न जाना, चर्च में न जाना। अरे आप नहीं जा रहे हो तो न जाओ, आप अपना कर्म कर रहे हो ना, कोई हानि नहीं है धर्म की। लेकिन धर्म की हानि तभी होगी जब लोग धर्म का झंडा लेके आपका शोषण करेंगे, आप पे अत्याचार करेंगे, आपको लूटेंगे, आपको डराएंगे, तब धर्म की हानि होगी। और कब होगी? जब धर्म किसी अशिक्षित लोग के हाथ में चला जाएगा। यदि कोई संत, यदि कोई सन्यासी शिक्षित नहीं है, शिक्षित मतलब उसको ज्ञान नहीं है, ज्ञान पहले शास्त्रों का ज्ञान फिर आत्मबोध नहीं है, तो वो व्यक्ति समाज में सिवाय पाखंड के और कुछ नहीं दे सकता। और ये चला हुआ है, यू कैन सी मेरे भारत भ्रमण की यात्रा में मैं तो यही देख रहा हूं, इतने धार्मिक लोगों के होते हुए भी समाज में इतनी अज्ञानता, समाज में इतनी नफरत, समाज में इतनी जो बुरी हालत आज हो गई है, उसके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि धर्म अशिक्षित लोगों के हाथ में चला गया। मैं बहुत से आश्रम में, खास करके रामकिशन मिशन आश्रम में मैं बहुत से विजिट किया, और मैं बहुत से साधु संतों से, उनके साधु संतों से मैंने डिस्कस किया कि स्वामी विवेकानंद को गए लगभग 100 ईयर हो गए, क्या 100 साल के इतिहास में आपने एक भी स्वामी विवेकानंद को पैदा नहीं किया, जबकि इतने सारे आश्रम चले हुए हैं, क्या एक भी स्वामी विवेकानंद पैदा नहीं हुआ है? लेकिन क्या चला हुआ है? एक संस्था है, बहुत से इसमें सन्यासी है, इवन वो सेवा अच्छी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन जरूरत क्या है कि एक भी उन्होंने एक भी ऐसा प्रोडक्शन नहीं निकाला, एक भी ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा चरित्र समाज को नहीं दिया जो लाइक स्वामी विवेकानंद की तरह कार्य कर सके। तो ये चीज जब इवन मैंने उन लोगों से आस्क की तो क्या हुआ, तो वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इवन बहुत से मैं और भी साधु संतों को देख रहा हूं, दे आर जस्ट चैंटिंग मंत्रा, लिविंग हैप्पी लाइफ, वे अपना बेटर कर रहे हैं, उसमें कोई वो बुराई नहीं है, लेकिन एक साधु जो है यदि वो समाज को कुछ नहीं दे रहा है तो मेरे हिसाब से ही इज नॉट ए गुड सेंट। साधु को समाज में कुछ देना चाहिए, समाज को सुधारना चाहिए, लेकिन साधु की आज व्यवस्था पता, जो स्थिति है वो पता है कैसी है, तुम्हें भी मालूम होगा, लेकिन मुझे तो भली भांति पता चल गया। जब भी मैं किधर से निकलता हूं तो कुछ लड़के या कुछ आदमी मुझे मिलते और कहते हैं, अरे बाबा माल है क्या आपके पास? मैं बड़े आश्चर्यचकित होता हूं, माल मतलब? अरे हाँ भाई, मैं तो माला माल हूं, मेरे पास तो ज्ञान का माल है, परमात्मा का माल है। हाँ बोलो क्या चाहिए? अरे नहीं वो नहीं, हमें तो बाबा वो चाहिए। तो ये स्थिति हो चुकी है, यानी हमारे ही साधु संत बहुत से जो बस पीते हैं और प्रभु का नाम लेके पीते हैं, महादेव का। तो ये चीजें भी बहुत गलत है समाज में। या फिर कुछ ऐसे लोग मिलते हैं मुझे कि बाबा बड़े संकट में हूं। मैंने कहा ठीक है भाई, संकट में हूं, बताइए क्या संकट है? अरे वो तो छोड़ो, आप इन शॉर्ट करते हैं, और शॉर्ट ये है कि हमें कोई सट्टे का नंबर बता दीजिएगा ताकि हम अपने जीवन को बेटर कर सके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लोग, यदि मोस्टली लोग हम लोगों के पास जाते हैं तो या तो उनको सट्टे का नंबर बता दीजिएगा, या फिर वो माल चाहिए उनको, चर्स गांजा वीड्स वगैरह उनको चाहिए होती है। तो ये एक धारणा, एक मतलब मैसेज एक समाज में मोस्टली यूथ के पास तो यही चला गया कि जो साधु संत होते हैं मस्त होते हैं वो,
मस्त इन द सेंस वो पीते हैं, जीते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन ये सब ऐसा कुछ नहीं है यदि कोई एक अच्छा और सच्चा सन्यासी है। तो अगेन मैं वहीं पे आ जाता हूं कि मैं सन्यासी क्यों बना। देखिएगा ये सब चीज जब मैंने देखा ना समाज में, तो सच में मुझे बहुत पिंच होता था। तो मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि मैं भी एक सन्यासी अब बनने जा रहा हूं, लेकिन नॉट दैट टाइप ऑफ सन्यासी कि लोग मुझसे सट्टे का नंबर पूछे या मुझसे आके ये पूछे कि बाबा माल है क्या आपके पास। मैं एक ऐसा सन्यासी अपने जीवन में बनना चाहता हूं ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि जीन, ताकि मैं लोगों को एक अच्छा तरीका, एक हैप्पी लाइफ उनको दे सकूं। मैं लोगों को योग के माध्यम से, मैं लोगों को आयुर्वेदा के माध्यम से, मैं लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, मैं लोगों को ज्ञान के माध्यम से जोड़ना चाहता हूं, आगे बढ़ाना चाहता हूं। और यही मेरे जीवन का उद्देश्य होगा। सबसे पहला कि योग, आयुर्वेदा, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरो थेरेपी जो नेचुरोपैथी इसमें होता है, और ध्यान मेडिटेशन, ये चीजें हम समाज में देंगे ताकि जो हमारा यूथ है वो खराब होने से बच जाए। आज इस भारत में यूथ की जो स्थिति है वो 95% जो हमारा यूथ है, जहां तक मैंने एनालाइज किया, मैंने स्टडी किया, 95% यूथ नशे में और सेक्स में डूबा हुआ है। उसको इस समाज में यही मैसेज, यही कहानी मिल रही है कि बस नशा करो, और इवन एक अपोजिट सेक्स के प्रति 24 घंटे यही माइंड में डालते रहो कि आई हैव टू मेक अ बॉयफ्रेंड, आई हैव टू मेक अ गर्लफ्रेंड, बस यहीं पे जीवन का इनका एंड हो गया। और इनकी भी गलती नहीं है, देखा देखी सब काम हो रहे हैं। हमारा जो सिनेमा जगत है वहां पे आप देख सकते हो, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, कोई भी टीवी सीरियल्स व्हाटएवर कुछ भी उठा लो, सारे बेस्ड ऑन लव। जो वहां पे लव अफेयर्स ये चीजें जो दिखाई जाती है, भारत की खास करके बात करूं, हॉलीवुड की यदि बात करें तो बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी वो सब अपनी मूवीज वगैरह दिखाते हैं, लेकिन भारत में बेस्ड ऑन प्रेम कहानी बस यहीं पे, या फिर प्रेम कहानी के अंदर एक हीरो जो होता है वो नशे में धुत रहता है। तो ये भी एक समाज में बहुत बड़ा मैसेज जाता है, और छोटे छोटे बच्चे बस यही काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि समाज को एक नई विचारधारा से जोड़े, जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो हमसे छूट गई, पुनः उस सभ्यता संस्कृति से यूथ को जोड़ा जाए और उनको प्योर, शुद्ध, नेचुरल बनाया जाए। जो हमारी प्रकृति है, जो हमारी प्रकृति की देन है, हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, वो उनको दिया जाए। मेरा उद्देश्य होगा कि हर एक घर में, हर एक घर में कम से कम एक योगी तो हो। योगी इन द सेंस ऐसा नहीं है कि वो लाल पीले कपड़े पहन के, माला डाल के और सन्यासी बन के ही योगी होगा। नो, योगी मीन्स एक आदमी जो अपने शरीर को और अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखेगा, एक आदमी जो अपने कर्म के प्रति, जो उसका कार्य है, व्हाटएवर कुछ भी कर रहा है, अपने कार्य के प्रति वो जागरूक होगा और अपना कार्य भली भांति 100% जो करेगा वो एक योगी होगा, जिसकी निरोगी काया होगी। और मेरा उद्देश्य ये भी होगा कि हर एक घर में एक व्यक्ति को मैं प्राकृतिक चिकित्सा हम दे सके। यानी आजकल समय के हिसाब से इतनी डिजीज फैली हुई है और डिजीज आगे भी फैलेगी, इतनी बीमारी हो चुकी है, ताकि हर एक घर में एक व्यक्ति को एटलीस्ट हम प्राकृतिक चिकित्सा उनको समझा सके, स्टडी करा सके कि जो प्राकृतिक चिकित्सा होती है
वो क्या है और प्राकृतिक चिकित्सा से तुम अपने शरीर को, जो ये बॉडी हमें डिवाइस, सुपर डिवाइस जो हमें परमात्मा ने दिया है, इसको हम अच्छे से स्वस्थ रख सके। और मैं हाल ही में यहाँ पे कुछ प्रशिक्षित डॉक्टरों के साथ हूँ, मैं नेचुरोपैथी ही सीख रहा हूँ, यहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सा सीख रहा हूँ, और ये पहले से भी मेरे जीवन का उद्देश्य था कि मैं ये चीज लेके समाज में आऊं ताकि लोग बीमार होने से बचे। क्योंकि यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो डेफिनेटली आप कुछ भी कर सकते हो जीवन में। तो ये मेरे जीवन का उद्देश्य है, न कि मैं किसी मंदिर या आश्रम में लेट के खाना खाता रहूं और चैंटिंग मंत्र और घंटी बजाता रहूं। मेरा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है। चैंटिंग मंत्र घंटी बजाना गलत नहीं है, कभी कुछ लोग इसका विरोध करने लगे, ठीक है वो अपनी जगह, लेकिन मैं यहां तक सीमित नहीं रहना चाहता। मैं बहुत से जब साधु संतों से मिला, देखा